बिहार में महागठबंधन में शामिल आरजेडी और जेडीयू के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में जबरदस्त ठंड के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तमाम राजनीतिक हलचल के बीच गुरुवार दोपहर के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। नीतीश कुमार ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी के मौके पर परिवारवाद को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल साइट पर पलटवार कर दिया। हालांकि रोहिणी ने एक्स पर लिखी बात को फिर डिलीट भी कर दिया। रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट पर बिना किसी का नाम लिए लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा, खींच जताए क्या होगा, जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले, जब खुद की नियत में ही हो खोट। हालांकि रोहिणी ने कुछ ही घंटे बाद एक्स पर लिखी बातें डिलीट भी कर दी। वहीं नीतीश मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में आरजेडी और जेडीयू के बीच दूरियां साफ नजर आईं। सूत्रों का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक में किसी से कोई बात नहीं की। ऐसे में साफ है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। नीतीश के फिर से पलटने की चर्चा सियासत में जबरदस्त तरीके से हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। धीरे धीरे विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन से मोह भंग होते जा रहा है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। वहीं पंजाब में सीएम भगवंत मान ने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए साफ कर दिया कि राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी झटका दिया है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सीएम नीतीश कुमार ने शामिल होने से मना कर दिया है। आपको बता दें, राहुल गांधी की ये यात्रा 30 जनवरी को बिहार में एंट्री करेगी, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। इससे पहले खबरें थी कि नीतीश कुमार उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे, मगर अब वो उनकी यात्रा में नहीं जाएंगे। वहीं भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने दावा करते हुए कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर नीतीश बीजेपी के साथ आ जाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।